हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में लेकर आ गए हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताज़ा खबरें। तो जी हां, अगर आप हरियाणा से हैं, रोज़ाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा के मुख्य समाचारों की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही वीडियो पर लाइक कर दें, शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। गुरुग्राम फरीदाबाद सहित हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में छूट, सरकारी कर्मियों को खास रियायत। गुरुग्राम व फरीदाबाद सहित हरियाणा में ई वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ई व्हीकल खरीदने पर उसके रजिस्ट्रेशन में छूट देगी। इसके साथ ही पेट्रोल व डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित करने पर भी खास रियायत मिलेगी। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को ई वाहन खरीदने पर सरकार उनको विशेष रियायत देगी। हरियाणा सरकार राज्य में ई व्हीकल नीति तैयार कर रही है, इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने को प्रोत्साहित करेगी। हरियाणा में खेल कोटे के 16 डीएसपी को एएसपी के पद पर नियुक्त देने की इजाजत मिली, सरकार को हाई कोर्ट से मिली राहत। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने खेल कोटे से भर्ती डीएसपी को एएसपी पद पर प्रमोट करने की हरियाणा सरकार को छूट दे दी है। इसके संबंध में खेल कोटे से भर्ती डीएसपी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। दीपावली और छठ पूजा ने बढ़ाई वेटिंग, ट्रेनों में 9 रूम, अम्बाला में 22 गाड़ियों में डिब्बे बढ़ाने की तैयारी। दिवाली और छठ पूजा के त्यौहार पर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग टिकट तब भी नसीब नहीं हो पा रहा है। अधिकांश ट्रेनों में थर्ड एसी और सेकेंड एसी में वेटिंग टिकट मिल रहे हैं, जिसे कन्फर्म करवाने के लिए भी यात्री जुगाड़ कर रहे हैं। रेलवे में प्रत्येक मंडल और जोन में वेटिंग टिकट कन्फर्म करने के लिए कोटा निर्धारित है। हालांकि रेलवे स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने की तैयारी कर रहा है और नई ट्रेनें भी पटरी पर लाने की तैयारी में है। बहादुरगढ़ में सहपाठी व उसके दो दोस्तों की हरकतों से तंग आकर 12वीं की छात्रा ने की आत्महत्या। एक कोचिंग सेंटर पर ट्यूशन पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की छात्रा ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। छात्रा ने यह कदम अपनी सहपाठी व उसके दो दोस्तों की हरकतों से तंग आकर उठाया है। वहीं दोपहर बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजनों को सौंप दिया गया। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सक्रिय, दुकानों पर की जा रही है छापेमारी, मिलावटी सामान पर सख्ती। बहादुरगढ़ में खाद्य सुरक्षा टीम की दस्तक हो चुकी है और नाम सुनते ही दुकान का शटर नीचे करके इधर उधर खिसक जाते हैं दुकानदार, और वहीं दुकानदारों का राहत तभी मिलती है जब टीम सैंपल लेकर चली जाती है। टीम द्वारा घी के अलावा कई चीज़ों के सैंपल लिए जा। हरियाणा के यमुनानगर में डेंगू का खतरा बढ़ा, 20 नए मामले सामने आए, अस्पतालों में बेड की कमी। यमुनानगर में डेंगू का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। निजी अस्पतालों से लेकर के सरकारी अस्पतालों तक बेड फुल हो चुके हैं। सिविल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में हालात ऐसे हैं कि एक बेड पर दो दो मरीज लिटाए गए हैं। बता दें कि जिले भर में 20 नए मरीज मिले हैं। अब डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर के यमुनानगर में 107 पर पहुंच गई है। रोजाना 200 से 250 मरीज वायरल सिविल अस्पताल में आ रहे हैं, इनकी भी डेंगू आशंका को देखते हुए टेस्ट कराए जा रहे हैं। कुंडली बॉर्डर पर निहंग बेलगाम, फ्री में नहीं मिला मुर्गा तो तोड़ दी ड्राइवर की टांग। कुंडली बॉर्डर पर वही निहंगों ने फिर से मनमानी की जमकर हंगामा किया। अब वहां से होकर जा रहे मुर्गा लदे रिक्शे को रोककर फ्री में मुर्गा देने की मांग की गई। मुर्गा फ्री में देने में मजबूरी जताने पर निहंगों ने रिक्शा चालक व उसके साथी पर फरसा व डंडों से हमला कर दिया। इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी टांग टूट गई जबकि सहायक को भी चोट लगी है। पुलिस ने इस वारदात में शामिल एक युवा निहंग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित निहंग बाबा अमन सिंह के बच्चे का है। यमुनानगर में एक पिता ने एक वर्षीय बच्ची को मारी लाते हुई बच्ची की मौत। हरियाणा के यमुनानगर में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। एक पिता ने अपनी एक साल की बच्ची को लात मार दी, इससे उसको चोट लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई। पत्नी को जेल जाने का ख्वाब दिखा, चुप करा दिया। बिजली विभाग की कड़ी चेतावनी, कार्रवाई के लिए तैयार रहे लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी। अधिकारी व व्यापारियों की बैठक लेने पहुंचे उत्तर हरियाणा बिजली निगम के MD IPS शशांक आनंद ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को साफ चेतावनी दी है कि अगर काम में लापरवाही की तो विभागीय कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इलाहाबाद के एक दर्जन गांवों को मिलेगी सेम से मुक्ति, बोरवेल लगाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इलाहाबाद के दर्जनों गांवों को सेम की समस्या से
मुक्ति मिलेगी। हरियाणा सरकार ने बोरवेल के माध्यम से सेम प्रभावित गांवों का पानी निकलवाना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द यहां के दर्जन गांवों की 50 साल पुरानी समस्या का समाधान होने जा रहा है। हरियाणा के चरखी दादरी में खाद को लेकर किसानों ने जमकर काटा बवाल, और वहीं इसके बाद किसानों शहर भर में प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठकर नारेबाजी की। पिछले 10 दिनों से खाद की किल्लत जारी है और किसान सुबह खाद लेने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन पूरे दिन लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। 2 दिन पहले DC के आश्वासन के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया था, लेकिन 2 दिन के बाद किसानों को खाद नहीं मिली, फिर से किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो जी हाँ, ये थी लेटेस्ट अपडेट हरियाणा के मुख्य समाचारों की। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।